से शुरू। मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड ऑफिसर ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट द मैरीटाइम एकेडमी मोरनी हिल्स, और मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न है, मर्चेंट नेवी में टैटूज अलाउड हैं या नहीं? देखिए, मर्चेंट नेवी मिलिट्री नहीं है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इसमें टैटूज बिल्कुल अलाउड हैं। अब जितने आप मेरे कपड़े उतारें उतने ज़्यादा आपको टैटूज नज़र आएंगे। ये देखिए, ये है CDC, कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये एक तरह का लाइसेंस होता है, ये पासपोर्ट जैसा नज़र आता है। जो भी शिप पे जाता है उसके पास ये होना अनिवार्य है। अब देखिए, जैसे पासपोर्ट में स्टैम्प्स होते हैं जहाँ जहाँ आप गए हैं, इसी तरह इस पर स्टैम्प्स होते हैं शिप के, जिस जिस शिप पे आपने सेल किया है। अब आपके इसी लाइसेंस में लिखा हुआ है टैटू और अदर डिस्टिंग्विशिंग मार्क, तो आपके सर्टिफिकेट पे ही, आपके लाइसेंस पे ही टैटूज़ की एंट्री है। इससे साफ पता समझ आ जाता है कि टैटूज़ बिल्कुल अलाउड हैं। अब बात करते हैं पैसेंजर शिप्स की। देखिए, कार्गो शिप हो तो टैटूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पैसेंजर शिप है, अगर क्रूज शिप है, फेरी है, यॉट है, तो वहाँ पे कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। अधिकतम क्रूज शिप्स पे कंपनी की पॉलिसी होती है कि टैटूज़ हों तो चलेंगे, लेकिन विजिबल नहीं होने चाहिए। अब विजिबल का क्या अर्थ है? विजिबल एरिया पे नहीं, जैसे जो एरिया आपके यूनिफॉर्म कवर नहीं करता वो एरिया आपका विजिबल होता है। जैसे इस समय मेरा विजिबल एरिया क्या है? मेरा मुंह, नेक, हाथ। अब क्रूज शिप पे हो सकता है यूनिफॉर्म हाफ स्लीव्स वाली हो, तो उस समय फोरआर्म्स भी आपकी विजिबल एरिया में काउंट हो जाएंगी। इसलिए मेरी सलाह ये है, अगर टैटूज आप करवाना चाहते हैं तो विजिबल एरिया में ना हो, मतलब हाथ पे ना हो, मुंह पे ना हो, कान पे ना हो, गले पे ना हो, फोर आर्म्स पे भी ना हो। और ये डेल्टॉइड है ना, जिसे मोड़ा कहते हैं, मोड़े तक हो, उससे नीचे ना हो। कई बार क्या होता है, हमारी स्लीव से बाहर भी टैटू आ जाता है, तो कोशिश कीजिए ऐसा हो। और आपको पता है, मर्चेंट नेवी में ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो उस समय भी अगर एग्जामिनर कुछ इस प्रकार का हो जिसे टैटूज ही ना पसंद हो, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए विजिबल एरिया में कभी भी आप टैटू ना करवाएं। इसके सिवा आप देश विदेश जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर टैटूज को लेकर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो या तो अगर टैटू हैं तो कवर करके रखिए, या विजिबल एरिया पे बनवाइए ही नहीं। सबसे सही, सबसे समझदारी का काम विजिबल एरिया में बनाइए ही नहीं।